नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में IQ Z9X 5G वर्सेस Realme C65 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 6.52 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Z9X 5G में 2.99 इंच जबकि C65 5G में 3 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Z9X 5G में 199 ग्राम जबकि C65 5G में 190 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Z9X 5G में LCD जबकि C65 5G में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Z9X 5G में 20:9 जबकि C65 5G में 20:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Z9X 5G में 6.72 इंचेस जबकि C65 5G में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Z9X 5G में 8080x2408px FHD+ और C65 5G में 720x1604px HD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Z9X 5G में 86.58% जबकि C65 5G में 85.23% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Z9X 5G में 393 पिक्सेल प्रति इंच जबकि C65 5G में 264 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Z9X 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और C65 5G की बात करें तो इसमें 1 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Z9X 5G में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और C65 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Z9X 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और C65 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Z9X 5G में Adreno 710 जबकि C65 5G में Mali G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Z9X 5G में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 और C65 5G में MediaTek Dimensity 6300 मिलता है। बात करें RAM की तो Z9X 5G में 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB, 8GB की RAM मिलती है, जबकि C65 5G में 1 ही ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Z9X 5G में अप टू 1TB जबकि C65 5G में अप टू 2TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी Z9X 5G में 6000 mAh जबकि C65 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Z9X 5G में 2 कलर्स जबकि C65 5G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Z9X5G में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,290 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,499 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें C65 5G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 11,499 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो iQOO Z9X 5G में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme C65 5G की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Z9X 5G आगे है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Z9X 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200e 5G है, दूसरा Moto G04 4G है, तीसरा Realme 12 5G है, और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M14 4G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।